नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, जिन किसान भाई से आपको मैं मिलवाने वाला हूं, उनका नाम है यस राम और ये गांव जो पड़ता है इनका मैथरा पड़ता है बिसौली में। तो जो आप ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, आपके सामने ट्रैक्टर जो खड़ा हुआ है महिंद्रा का यूवो 585 टैक प्लस DI ट्रैक्टर है। सो इन्होंने ये कुछ ही समय पहले परचेज किया है। तो ये ट्रैक्टर इनको कितने में पड़ा ऑन रोड और ये ट्रैक्टर उन्होंने क्यों लिया, इससे पहले कौन से ट्रैक्टर चलाते थे और इस ट्रैक्टर का तेल का खर्चा कितना है, सारी बातें आज हम भैया से करने वाले हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के वीडियोज आप आगे भी देख सको। सो स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पर। अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। यशराम सिंह नाम है हमारा, ग्राम मैथरा तहसील बिसौली जिला बदायूं UP। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले भैया आप ये बताइए कि आपने ये ट्रैक्टर लिया है, इसको कितने समय पहले लिया था, कितना दिन हो गए? 15 दिन। अच्छा 15 दिन हो गए। और इससे पहले आप कौन सा ट्रैक्टर चलाते थे इससे पहले? मैसी फर्गुसन 241 716 735 605। अच्छा अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको ट्रैक्टरबाजी करते हुए? सन 90 से। अच्छा अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर आपने चलाया वो कौन सा चलाया सबसे ज़्यादा? अर्जुन 605। वो कितने साल चलाया? वो 2005 में लिया। 2005 में लेकर के करीब कितने साल चलाया? तहसील बिसौली में पहला ट्रैक्टर था वो और हमने कम से कम 2005 से अब तक वो 17 साल हो गए। 17 साल? 17 साल आपने चलाया, बहुत लंबा समय आपने चलाया उसके लिए। वो आप जी दो तीन ट्रैक्टर ले लिया। अच्छा अच्छा, दो तीन ट्रैक्टर अर्जुन आपने चला लिया। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आपने अर्जुन सबसे ज़्यादा किस पे चलाया था? आलू की मशीन थ्रेसर पे चलाया, रोटावेटर पे भी चलाया, कल्टीवेटर, हैरो, सब पे चलाया उस समय जो चलते थे। ट्राला, आलू के ट्राला पे। आलू के ट्राला पे, अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर आपने स्वराज भी चलाया, स्वराज में कौन सा मोड़े चलाया था? स्वराज में 735। 735। तो अभी पिछले 10 साल में आपने कौन कौन से ट्रैक्टर चलाए थे? पिछले 10 साल में चलाए आपने अर्जुन और मैसी 41। मैसी 241, ठीक है। इस ट्रैक्टर के बारे में अगर बात करें तो ये ट्रैक्टर ही आपने क्यों लिया, मतलब इसके अलावा भी और भी कंपनियां थीं, और भी ट्रैक्टर आप ले सकते थे, जैसे फोर व्हील ड्राइव में अगर मैं बात करूं तो स्वराज के भी आते हैं फोर व्हील ड्राइव में, और भी कंपनियां देती हैं या फिर इससे भी बड़ा मॉडल आता है, यही मॉडल क्यों चूज किया आपने? डीजल कम खाता है, बढ़िया लोड लेता है। अच्छा, बढ़िया काम करता है और काम करने की क्षमता अच्छी है, डीजल 4 लीटर प्रति घंटा है। अच्छा अच्छा, 4 लीटर खाता है एक घंटे में, किस इम्प्लीमेंट पे? मतलब पूरा लोड लेके चलाओ, जैसे रोटावेटर पे चला रहे हैं जी, या कल्टीवेटर पे चला रहे हैं, फुल आलू की मशीन है, कंप्यूटर मांझा है। 4 लीटर मैक्सिमम है फुल लोड पे, अच्छी बात है। ये ऑन रोड आपको ट्रैक्टर कितने में पड़ा? ये 840,000। 840,000 का? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसको लेने से पहले आपने वीडियो देखा था या किसी ने आपको डीलर ने बताया था? क्योंकि हमारे तरफ जो ट्रैक्टर चलते हैं वो XP सीरीज के ज़्यादा चलते हैं, आपने देखा होगा ना, वीडियो भी देखा था और वो महिंद्रा ट्रैक्टर के एजेंसी के मालिक हैं पुनीत, उन्हें मुझे सलाह दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल, आपने उन्होंने कहा कि भाई अगर आप 50 HP कैटेगरी में जा रहे हो तो आप ये लो, बहुत अच्छी बात है। ट्रैक्टर भी आपने बहुत अच्छा चुना है, बहुत अच्छा इसके फीचर्स हैं और बहुत अच्छा डिसीजन आपका है इस ट्रैक्टर को लेकर के। बाकी अगर बात करें इसके मतलब कि जैसे ये फोर व्हील ड्राइव मॉडल है, अभी आप आलू की मशीन पे चला रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो आलू की मशीन पे इसकी जो स्टेबिलिटी यानी कि जो पकड़ है जमीन से वो ठीक है या फिर थोड़ा बहुत? अच्छी है, अच्छी है, ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा बढ़िया। आगे से उठने की दिक्कत तो नहीं है? उठने की समस्या नहीं है, लिफ्टिंग क्षमता इसकी सही है। पीछे से मशीन की लिफ्टिंग? अच्छा अच्छा अच्छा, लिफ्टिंग उठता नहीं है ट्रैक्टर, बढ़िया चलता है, मतलब ऊपर नीचे नहीं होती है हाइड्रोलिक्स। एक चीज़ और बताइए भैया, ये जो फोर व्हील ड्राइव मॉडल है इसमें आगे कितना वजन आपने लगाया हुआ है, कैसे ये आपने किया कि आगे से नहीं उठता है, ये थोड़ा बता दिए किसान भाइयों, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो फोर व्हील ड्राइव ले लेते हैं लेकिन वो आगे से उठता है, तो ये शिकायत उनकी रहती है, तो इसके लिए क्या समाधान करना चाहिए? बम्पर हैवी लगवा देना चाहिए और टायरों में पानी भरवा देना चाहिए। अच्छा अच्छा, बम्पर थोड़ा हैवी लगवाओ, वेट लगाओ आगे, वजन लगाओ जी, और टायरों में पानी भरवा दो। अभी आपने टायरों में पानी भरवा रखा, कितना पानी इसमें भरवा दिया? लगभग 40 लीटर, मतलब 40 लीटर इसमें, 40 लगभग 35 किलो आप मान सकते हो, 70% पानी है 30% हवा। अच्छा 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 अच्छा, लगभग वजन कितना मान के मान सकते हैं पानी का दोनों में? 40 लीटर दोनों में, 40-40, हाँ तो लगभग 35 किलो तो मान ही सकते हो जी, जी। बहुत अच्छी बात है, 35 किलो वजन है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर उठने की दिक्कत है तो आप पानी भरवा लो, बहुत अच्छा मतलब कि ये साधन रहता है, आगे से लिफ्टिंग बहुत कम हो जाती है और आगे वजन भी आपको ज़्यादा नहीं अगर लगा पाते हो तो सही है। बाकी इसको आपने किस किस इम्प्लीमेंट पे चलाया है? रोटावेटर पे चलाया? रोटावेटर पे भी चलाया,
आलू की मशीन चली रही है इस पे। दोस्तों देख सकते हैं आलू का भैया का यहाँ पे कंप्यूटर लेबलिंग माजा है, वो बहुत बढ़िया चलाता है। अच्छा वो भी देख लिया चला के? बहुत हमने चलाया, सारे खेतों में चला लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, लाने के बाद बहुत बढ़िया। कितने फीट का माल चलाते हैं इस पे? 7.5 फीट। 7.5 फीट का मतलब फूला पूरा बकेट भर के आराम से? महिंद्रा का 7 फीट आता है या 8 फीट आता है? 7 फुट ही आता है। महिंद्रा का ही हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरा बकेट भर के जो है पूरा बहुत ट्रैक्टर अच्छा चलता है। ट्रैक्टर बंद बंद नहीं होता है ना, ना, ना। जितना मर्जी भर लो मट्टी वो पूरी ओवर लोडिंग ले जाता है। अच्छा बहुत अच्छा है, मतलब इसका मतलब फोर व्हील ड्राइव का पूरा फायदा हो रहा है। फोर व्हील ड्राइव को बहुत ज्यादा फायदा है, अर्जुन से ज्यादा बढ़िया चलता है। हाँ एक चीज तो है भैया, अगर ये 2x2 होता तो शायद पूरा बकेट भर के ना ले जा पाता, ना ले जाता, क्योंकि 14 के टायर है। हाँ सही बात है। 4x4 का दोस्तों ये फायदा है, अभी 4x4 का चलन दोस्तों बढ़ रहा है और इसका क्या फायदा होता है धीरे धीरे किसान भाई को पता लगेगा। क्योंकि अगर 50 HP कैटेगरी में भी अगर 4x4 ले लेते हो तो वो ट्रैक्टर आपका 55 या 60 HP बन जाता है। 60 HP अर्जुन के बराबर ताकत हो। हाँ हाँ 60 HP बन जाता है। तो 60 अभी आप जरूरी नहीं है कि 60 HP के पैसे आप खर्च करो, 50 HP पैसे खर्च करो आराम से और अपना पूरा 60 HP का मजा लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अपने ट्रैक्टर लाइन के बारे में कुछ अनुभव और हमें कुछ किसान भाइयों को बताना चाहें तो और बता सकते हैं कुछ बातें? और ट्रैक्टर सबसे बेहतर है, अगर किसान भाई ट्रैक्टर खरीदते हैं तो इसे 4x4 को ही खरीदे। अच्छा इससे डीजल की खपत भी कम है और लोडिंग क्षमता ज़्यादा है। अच्छा। 2 बार जुताई 3 बार जुताई नहीं करनी चाहिए, सर 2 बार में ही मतलब काफ़ी वाहन कर देता है। बाकी ट्रैक्टर 4 बार जुताई करो तो जो है वाहन कर पाते हैं 9 इंच, ये दो जुताई में ही 9 इंच वाहन कर देता है। डीजल भी कम है इसका, बढ़िया ट्रैक्टर। बाकी किसान भाइयों को लेना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, और ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो उसे नहीं खरीद के 4x4 खरीदें और मेरी समझ से महिंद्रा का ही ट्रैक्टर खरीदें। महिंद्रा में जैसा कि आपने बताया डीजल बहुत अच्छा है, कम बहुत अच्छा। हाँ डीजल ट्रैक्टर चलाए हैं लेकिन सब ट्रैक्टरों को छोड़ कर मैं इसी ट्रैक्टर से ज़्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं भी पर्सनली मैंने भी अभी मैं काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में जाता हूँ, देखता हूँ लोगों के अनुभव जानता हूँ, तो ये निकल के आता है कि महिंद्रा के जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस उनकी लाइफ ज़्यादा है। जी उनका ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। हमारे थोड़ी के डीलर हैं वो बहुत बढ़िया हैं वो। अच्छा सारी कौन से? तिरुपति ट्रैक्टर हाँ, पुनीत नाम है, ज़्यादा बढ़िया शरीफ आदमी है, बढ़िया। भैया बढ़िया है, मैं भी उनसे परिचित हूँ, बहुत अच्छे संबंध है अपने। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने अनुभव को हमारी वीडियो में शेयर करने के लिए, किसान भाइयों को बताने के लिए। बाकी दोस्तों इसका हम मशीन पे परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जय।